प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने कार्यकर्ताओं का किया सम्मान, कमल पुष्प के जरिए किया पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान, पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। लखनऊ का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 29 अक्टूबर से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमला, बाजार में टैक्सी स्टैंड के पास ग्रेनेड से हुआ हमला, 5 लोग जख्मी। यूपी विधानसभा चुनाव पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की नजर, ममता बनर्जी छठ पूजा के बाद वाराणसी का करेंगी दौरा, 2 बड़े कांग्रेसी नेताओं के टीएमसी में शामिल होने का किया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया, वहीं सम्मेलन में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद रहे। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, क्या इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, सपा को और बसपा को शासन करने का अवसर नहीं मिला था क्या? और क्या उनकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति नहीं थी? और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब तो अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया, अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो और पूरी मजबूती के साथ उस समय भी खड़े रहे बाबूजी। उन्होंने कहा था कि कोई जिम्मेदारी फिक्स होती है तो कल्याण सिंह के ऊपर होनी चाहिए, कल्याण सिंह इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। ये है दमदार बात। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, पूछिए एक बार विपक्षी नेताओं को, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया है कांग्रेस ने, अगर प्रदेश में बदहाली है, अव्यवस्था थी, अलीगढ़ के तालों के लिए, हापुड़ के पापड़ के लिए, रामपुर के चाकू के लिए, बरेली के चूड़ी के लिए इन्होंने कुछ किया होता, तो भाइयों बहनों, प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर नहीं होता। हमारी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक जनपद एक उत्पाद, और आज तो अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का भी एक केंद्र स्थापित होकर के वहां तेजी के साथ रोजगार का सृजन भी होगा, आगे भी बढ़ेगा। स्वर्गीय बाबूजी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ताला नगरी के रूप में वहां एक व्यापक निवेश करवाया था, अलीगढ़ को पहचान दिलाई थी हार्डवेयर के क्षेत्र में। आज भी अलीगढ़ का कारीगर बहुत अच्छा काम करता है। सपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, इनसे पूछा जाना चाहिए। एक एक जनपद के उत्पाद को आज प्रमोट करने का कार्य हो रहा है। वहातरस की हींग हो, मेरठ के स्पोर्ट्स आइटम हो, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग हो, मुरादाबाद का ब्रास की आइटम हो, अमरोहा का तबला हो, यानी अलग अलग जनपद को उसको उसकी पहचान के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है।
लाखों नौजवान रोजगार से इससे जुड़ रहे हैं, लाखों नौजवान इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। विकास एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए यह कार्य पहले भी हो सकता था। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में आपने देखा होगा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को, वह लोहार है, राजमिस्त्री है, कारपेंटर है, स्वर्णकार है, हलवाई है, मोची है, धोबी है, यानी ये गांव में निवास करने वाला जो गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता है, इन सब के निश्चित प्रशिक्षण के दौरान निश्चित मानदेय, फिर इन्हें बैंकों के साथ जोड़ना, फिर इनको जोड़ने के साथ इनकी आजीविका को बढ़ाना, इनके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करना। माटी कला बोर्ड के माध्यम से आपने देखा होगा गांव गांव में मिट्टी के दिया मूर्तियां मिल रही हैं, ये काम चीन क्यों हमें देगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगे समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर हैं। अखिलेश ने अब फोटो ट्वीट कर सत्ता में वापसी का दावा किया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज झूठ का फूल लूट का फूल बनकर 24 घंटे जनता को ठग रहा है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, पहले की सरकार में गरीबों के खातों में हजारों करोड़ रुपए दिया जाता था, आज झूठ का फूल लूट का फूल बनकर 24 घंटे जनता को ठग रहा है। आज केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है गरीब तक की जेब काटना, गरीब के परिवार की मूलभूत सुविधाएं छीन लेना। तो बीजेपी पर अखिलेश यादव एक बार फिर से तंज कसते हुए नजर आए। ट्विटर वॉर लगातार जारी है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने एक और फोटो डाला है। इस फोटो पे साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि आ रहा हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लूट का फूल बनकर रह गई है बीजेपी, गरीबों और दलितों पिछड़ों को लगातार पीछे छोड़ रही है, इनके लिए कोई काम बीजेपी ने नहीं किया है। ये वो ट्वीट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आगरा में अरुण नारवार के परिवार से मुलाकात की और उनके परिवार को 40 लाख रुपए मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। गौरतलब है कि अरुण की 19 अक्टूबर को आगरा में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। पुलिस ने जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी के सिलसिले में अरुण को हिरासत में लिया था। नारवार परिवार से मिलने के बाद टिकैत ने कहा, राज्य सरकार मुआवजा देने में भेदभाव कर रही है। उसने लखीमपुर खीरी और कानपुर में 40 से 45 लाख रुपए की सहायता दी, लेकिन आगरा में सरकार ने महज 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अरुण के परिवार को भी 40 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए, सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने नारवार परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने और अरुण की मौत की न्यायिक जांच कराने की भी मांग की है। राजस्थान के पाली जिले में जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देशानुसार त्योहारों के मद्देनजर नकली मिलावटी पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सोजत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के सुपरविजन में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मारवाड़ जंक्शन पुलिस की तरफ से मारवाड़ ब्लॉक मुख्यालय के एक मकान से नकली घी बनाने के औजार, मशीनें और केमिकल के साथ 360 किलो नकली घी पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि व्यापारी कई सालों से नकली घी का कारोबार कर रहा था। पुलिस को कोई समय से इसकी लगातार सूचना दे रहा था और इसकी तलाश भी थी। मुखबिर की सूचना से सिटी थाना मारवाड़ जंक्शन की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के पाली जिले की, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल त्योहारों के मद्देनजर पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है, जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो इस दौरान मिठाइयां बनाने के लिए नकली घी बनाते हैं और बाजारों में दुगने दामों पर बेच देते हैं। ऐसी जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से 27 अक्टूबर को 10 से दोपहर 1 बजे तक ली जा रही राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के लिए जिला प्रशासन ने 10 उप समन्वयक दलों और सतर्कता दलों का गठन कर अधिकारियों को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर सुव्यवस्थित परीक्षा का जिम्मा सौंपा है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने मीडिया को बताया कि ये परीक्षा पाली जिला मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय सोजत, उपखंड मारवाड़ जंक्शन के जाडान में आयोजित की जा रही है। तो परीक्षाओं के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से 27 अक्टूबर को 10 से दोपहर 1 बजे तक ली जा रही राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के लिए जिला प्रशासन ने 10 उप समन्वयक दलों और सतर्कता दलों का गठन कर अधिकारियों को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर सुव्यवस्थित परीक्षा का जिम्मा सौंपा है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने मीडिया को बताया कि ये परीक्षा पाली जिला मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय सोजत, उपखंड मारवाड़ जंक्शन के जाडान में आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। बाराबंकी से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर आपसी विवाद के चलते बाइक से जा रहे पति ने अपनी पत्नी को हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक के आगे फेंक दिया है और फरार हो गया। महिला की चीख पुकार सुनकर हाईवे पर लोगों का तांता लग गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। महिला के बयान पर पुलिस ने आरोपी पति को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बाराबंकी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आपसी विवाद में गुस्साए पति ने चलती बाइक से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक के सामने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया, जिससे उसको कई गंभीर चोटें आई हैं। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे हैं, इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ओ, हमारा पति है, वो हमको ट्रक के नीचे ढकेल दिए थे, गला दाब रहे थे हमारा। मारने की नियत से ये निशान देखिए। ससुराल कहाँ है तुम्हारी? महिला राय की ससुराल है, ताड़ीपुर सदर के पास में इनका मायका है। मायका कहाँ है? पिताजी का क्या नाम है आपके? गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में बाजार में एक 3 मंजिला मकान में आग लगने पर तत्काल 4 फायर टेंडर रवाना किए गए। जिला 3 मंजिला मकान में नमकीन चिप्स बनाने का काम होता रहा था। मकान के अंदर गैस सिलेंडर और काफी मात्रा में ड्रम में तेल था, जिसमें आग लग गई थी, जिसके बाद तत्काल मकानों में रह रहे लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। आग बुझाने की कोशिश की गई, गैस सिलेंडर फटने से मकान की ऊपरी छत गिर गई और ड्रम में रखे तेल नालियों में बहने से नालियों में भी आग लग गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। गाजियाबाद के खड़ा कॉलोनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस मकान के अंदर गैस सिलेंडर और कुछ जो तेल के कैंटर थे वो भी रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग ने और ज़्यादा विकराल रूप ले लिया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाफी रहे। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। सुबह 5:55 की सूचना मिली कि खोड़ा से गली नंबर 1 इतवार बाजार में मकान में आग लगी हुई है। तत्काल फायर सर्विस की गाड़ियों को वहाँ भेजा गया और देखा गया कि 3 मंजिला मकान था, जिसमें चिप्स और पापड़ और ये सारी चीज़ें जो है नमकीन बनाने के काम हो रहा था। उसमें आज काफ़ी भयानक स्थिति थी। तत्काल आपको विभाग से उसमें कार्रवाई की गई। सिलेंडर ब्लास्ट होने से उसी मकान की ऊपरी छत गिर गई तथा जो भी उसके अंदर तेल थे सारी तरह से नालियों में बहने लगे। नालियों में भी आग पकड़ ली, सभी तरफ से आग को बुझाया गया और पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। किसी तरह कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए। मधुबनी के फुलपरास ब्लॉक में पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रही निर्मला देवी ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया। मतगणना धांधली के खिलाफ प्रत्याशी ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ ब्लॉक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रत्याशी और समर्थकों ने कहा कि मतगणना के समय ईवीएम मशीन उनके सामने नहीं खोली गई थी, सिर्फ पर्ची पर लिखा वोट का डाटा थमा दिया और गणना कर्मियों ने कहा कि वो हार गए हैं। प्रत्याशी ने दोबारा मतगणना की मांग की तो हॉल से घसीटकर बाहर निकाल दिया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दोबारा मतगणना नहीं कराया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मधुबनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोबारा मतगणना की मांग लगातार की जा रही है। मतगणना पर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
बताया जा रहा है कि यहां पर मतगणना में धांधली हुई है। दरअसल ये पूरा मामला मधुबनी के फुलपारस ब्लॉक का है, जहां पर पंचायत से मुख्य प्रत्याशी रही निर्मला देवी ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया। मतगणना धांधली के खिलाफ प्रत्याशी ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ ब्लॉक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रत्याशी और समर्थकों ने कहा है कि मतगणना के समय ईवीएम मशीन उनके सामने नहीं खोली गई थी, सिर्फ पर्ची पर लिखा वोट का डाटा थमा दिया था। और गणना कर्मियों ने कहा कि हार गए, प्रत्याशी ने दोबारा मतगणना की मांग की है तो हॉल से उसे घसीटकर बाहर निकाल दिया गया। वहीं कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर दोबारा मतगणना नहीं कराई गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मशीन के गैया की रुआ वो सरकार उठा देलखिन जे कॉपी पर इतनी इतनी के पन्ना पर लिख लिख के पांच गो 12 गो लड़का के बैठा देले छला कुर्सी पर। महीन बार पंचायत बैका गांव से हैं और हम एक गणन अभिकर्ता के रूप में वहां गए हुए थे। हम लोग बाहर में थे जब लाउड स्पीकर से अनाउंस हुआ कि मुखिया प्रत्याशी महिनवार पंचायत के जो गणन अभिकर्ता हैं वो लोग पहुंचे इतना नंबर रूम में। जब हम लोग गेट के जो इन पॉइंट है वहां से करीब करीब हमको लगता है कुछ दूरी पर था वो गणना वाला जगह, वहां पहुंचे। जब हम लोग उस जगह पर पहुंचे तब तक लगभग सभी बूथ पर से ईवीएम मशीन हटा लिया गया था, क्योंकि ईवीएम से जो काउंटिंग होता है रिकाउंटिंग देन एंड देयर होता है, इस समय इलेक्शन काउंटिंग चल रहा है उसी समय होता है रिकाउंटिंग, और रिकाउंटिंग उस पक्ष में होता है जब एक पक्ष दूसरा पक्ष से बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं हो, इवन की 3-4 का अंतर हो तब जाके रिकाउंटिंग। बहुत ज़्यादा प्रशासन का हड़कंप था, बहुत लोगों को पिटाई भी हुई थी, तो हम लोग वहाँ से हट जाना ही अच्छा समझे, धक्का मुक्की से निकल गए हम लोग बाहर। बस यही है, हम लोगों को फिर से रिकाउंटिंग कर दिया जाए ताकि संतुष्टि मिल जाए। शाहजहांपुर में रामगंगा में बाढ़ के चलते डीएम और एसपी ने जलालाबाद और मिर्जापुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, राहत और बचाव संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और इसमें रामगंगा का जो जल स्तर बढ़ा है उसके कारण खेतों में पानी आ गया और गाँव में आबादी में पानी आ गया है। अभी आबादी के लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि पक्के मकान हैं, कच्चे मकान नहीं, लेकिन जानवर जो पानी से घिर गए थे उसको लेकर लोग ऊंचे स्थानों पर आ गए हैं और यहां पर नाव स्ट्रीमर की व्यवस्था भी की गई है। तो शाहजहांपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने दौरा किया है। हालांकि यहां पर चिंता की बात नहीं है बल्कि खेतों में पानी घुस गया है जिसकी वजह से किसान परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई है वो पशुओं को हुई है क्योंकि बाढ़ की चपेट में पशु काफी ज्यादा संख्या में यहाँ आए हैं। कानपुर देहात के बिहड़ और बुंदेलखंड के इलाकों में हो रही पानी की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार ने राजीव गांधी अमराहट कैनाल पंप परियोजना नाम से एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत करते हुए बिहड़ के इलाकों में नहरों के निर्माण का कार्य शुरू करा दिया था। इसी के चलते कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र में अमराहट में राजीव गांधी अमराहट कैनाल पंप परियोजना की शुरुआत करते हुए नहरों का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिससे पहले फेज का कार्य खत्म हो चुका है, वहीं दूसरे फेज का काम जारी है। करीब 105 करोड़ की लागत इस परियोजना में जिम्मेदारों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और समय पर कार्य को पूरा करने के निर्देश शासन की तरफ से समय समय पर दिए जा रहे हैं। वहीं जिले के अधिकारियों को परियोजना के कार्यों का औचक निरीक्षण कर गुणवत्ता की परख और जाँच करने के निर्देश भी दिए गए। बावजूद इसके ये परियोजना भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीन होती दिख रही है। परियोजना के तहत कराए गए नहरों के निर्माण का कार्य अभी पूरा ही नहीं हुआ कि नहर का जितना निर्माण हो चुका है वो अभी से ही टूटने लगे हैं। नहर पर कई जगह गड्ढे अभी से दिखाई देने लगे हैं जिनकी वजह से ये नहर टूट गई है। वहीं जिले के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जाँच कराकर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। यहाँ कैनाल परियोजना में किसके माध्यम से कार्य करने आए थे? मुझे इनके मुंशी दीपू यादव ने मिलवाया था चंद्रशेखर यादव जी से, और ये काम चंद्रशेखर यादव जी का है, और मेरी जानकारी के हिसाब से पेपर पे तो नहीं पढ़ा, कंपनी का नाम रजत इंफ्रा है। इसकी शिकायत हम 6 महीने पहले से कर रहे हैं, लेकिन उन शिकायत की जांच जो है मुख्यमंत्री पोर्टल जनवाई सुनवाई पोर्टल की उन्हीं अधिकारियों को दे दी जाती है जिन्होंने इसमें कमीशन लेके घोटाला किया है, और इसके बाद हम कई बार शिकायत कर चुके हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है। मौके पर देखिए पानी बरसने से ही ये नहर सब फट गई है, जब पानी चलेगा तब तो गाँव बह जाएगा,
सरकार का 1 अरब करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं ठेकेदार इंजीनियर मिलकर के। सब समय अमराट का काम और तेजी से हो रहा है, बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगा और जनता को समर्पित होगा। अच्छा, वहाँ पे जो नहर का निर्माण हो रहा है वहाँ पे अभी 6 महीने नहीं हुए और वहाँ पे टूट भी गई है, उसका मुझे संज्ञान है, मैंने उसको उच्च स्तर से बात की, बहुत जल्दी। अच्छा, मैंने स्वयं भी किया था, उसमें जो कमियाँ हैं उसके क्रम में माननीय मंत्री जी के द्वारा अवगत कराया गया है और CDO साहब के द्वारा भी एक टीम गठित की गई है, इसमें हम लोग पूरी जांच कराएंगे, विलंबित परियोजना है और इसकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। रोहतास के सासाराम में डाक विभाग की तरफ से लड़कियों के स्वावलंबन बनाने को लेकर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि 10 साल से कम उम्र की बच्चियों को इसका लाभ दिया जा सके। सासाराम के मुख्य डाकघर के अधीक्षक ने बताया कि मात्र 250 से भी इसके खाते खुल सकते हैं और इसमें 7% से ज्यादा का ब्याज दर है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है जिसका लाभ हर वर्ग ले सकता है। रोहतास मंडल में सुकन्या समृद्धि योजना तथा अन्य बचत खाता खोलने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें प्रत्येक गांव में और प्रत्येक उप डाकघर में अधिक से अधिक खाता खोलने का अभियान किया गया है और इसके लिए हर प्रयास किया जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना हमारी बहुत ही अच्छी योजना है जो 10 वर्ष से कम बच्चियों के लिए किया गया है। इसमें प्रत्येक बच्चियों के लिए 2500 रुपये से अकाउंट हम खोल सकते हैं तथा 1 साल में 250 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही अधिक है और 7.6% इसकी इंटरेस्ट रेट है ब्याज दर, और ये 21 साल के लिए होता है। रोहतास के तिलौथू थाना क्षेत्र में पारिवारिक तनाव में आकर एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक की उम्र 22 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि परिवार में किसी बात को लेकर विवाद था, उसी विवाद में युवक तनाव में रहता था जिस कारण युवक ने खुदकुशी कर ली, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना पर डेहरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर से समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने आज तक गलत तरीके से अपने पिताजी के नाम का लाभ लिया और हम इसकी शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि आज तक समीर वानखेड़े ने जितनी भी तनख्वाह ली है वो उनको वापस करनी पड़ेगी और पेंशन भी बंद होगी। आगे मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक मामला नहीं, हमें लगता है कि 2 शिकायतें होंगी। समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए फोन टैप कर रहा है, लोगों के फोन को कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 2 प्राइवेट लोग हैं, एक मुंबई शहर में और एक थाने में। हम लोगों के सामने रखेंगे कि कैसे समीर वानखेड़े गलत तरह से लोगों का फोन टैप कर रहा है। मैं आह्वान करता हूं कि वानखेड़े मेरे खिलाफ मानहानि का मामला करें, मैं अपना केस लड़कर इनका फर्जीवाड़ा सामने लाऊंगा। 100-200 करोड़ की बात ना करें, 10% स्टैंप ड्यूटी भरनी होती है। आपके पास 2 नंबर के हजारों करोड़ों हो सकते हैं लेकिन स्टैंप ड्यूटी भरने का कागज नहीं होगा। जो हिंदू महार अपनी जाति लिखते थे, निर्णय लेके 9 बुद्धों को भी उसमें से छूट दी गई है, लेकिन आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए, पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।